तो अब हम लोग आ चुके हैं आनंदम टावर में 15th फ्लोर पर, और ये मेरे सामने फ्लैट है 4 BHK 2700 स्क्वायर फीट। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल अभी रॉ कंडीशन में है तो आपको केवल एक एरिया का आइडिया लग पाएगा, तो चलिए चलते हैं। तो एंट्रेंस के साथ में सबसे पहले आ जाता है सर्वेंट रूम, तो सर्वेंट रूम की एंट्री होती है सामने, सर्वेंट रूम का ही वॉशरूम हो जाता है और ये पूरा सर्वेंट रूम हो जाता है। डायमेंशन आपको नीचे विजिबल हो रही होंगी। बेस्ट पार्ट है इस फ्लैट का ड्राइंग और डाइनिंग, मैं आपको दिखाता हूँ इसका डाइनिंग रूम। तो ये बेसिकली ये पूरा ड्राइंग और डाइनिंग रूम है, आप देखेंगे काफ़ी लंबा चौड़ा ड्राइंग डाइनिंग है, ये पूरा पीछे तक ड्राइंग डाइनिंग है। तो बेसिकली ये पूरा एरिया ड्राइंग डाइनिंग का होता है और इसमें आपको एक सेपरेट बार एरिया भी मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया ये बार एरिया है, आप इससे जैसा चाहें यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है इस फ्लैट की बालकनी, तो आप ये बालकनी देखते हैं पूरी कनेक्टेड है, ये पूरी बालकनी है और सामने पूरा आपको आश्रम का व्यू आता है। ये महर्षि महेश योगी जी का आश्रम है, तो पूरी ग्रीनरी है और सामने ही ईस्ट है, तो आपको प्रॉपर सुबह की धूप मिलती है। पीछे की तरफ आपको ATS 1 हेमलेट, लोटस पनास, ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं फ्लैट को देखते हैं। ये एरिया मैंने आपको बताया बाहर के लिए, और ये पूरा ड्राइंग और डाइनिंग। हम लोगों ने सामने से एंटर किया था, इस एरिया से हमने एंटर किया है। ये फर्स्ट बेडरूम हो जाता है, इसके साथ आपको सेपरेट वॉशरूम, ये कवर्ड के लिए स्पेस हो जाता है। सामने की आपको फ्रेंच विंडो मिलती है, बालकनी से कनेक्टेड होगा। ये इसके साथ सेपरेट वॉशरूम है। चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। तो ये बेसिकली पूरा किचन का एरिया होता है, आपको दोनों तरफ स्लैब मिलती हैं। ये फ्रिज के लिए स्पेस हो जाता है, यहाँ पर आपका इस एरिया में सिंक होगा, सिंक टैब होंगे। ये यूटिलिटी बालकनी हो जाती है, या वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर टैब वगैरह का प्रोविज़न होगा। इधर से भी आपको आश्रम का व्यू आता है, सामने ATS 1 हेमलेट सोसाइटी आपको दिख रही है और ये इसी सोसाइटी का टावर है, ये आर टावर होता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये सेकंड बेडरूम होता है, इसके साथ आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है, अगर कोई गेस्ट आता है तो वो इसको यूज कर सकता है। कबर्ड का स्पेस इसमें आपको मिलता है और साथ में एक फ्रेंच विंडो मिलती है। वॉशरूम आपको बेडरूम से अंदर से भी एंटर कर सकते हैं और बाहर से भी एंटर कर सकते हैं। तो ये पूरा बेसिकली वॉशरूम का एरिया होता है और एक एंट्री आपको यहाँ से भी मिल जाती है वॉशरूम में। चलिए अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये बेसिकली थर्ड बेडरूम होता है, इसमें भी आपको कबर्ड के लिए स्पेस मिलता है, सेम यहाँ पर भी आपको बालकनी कनेक्टेड है, ये पूरी पैरेलल बालकनी है और साथ में आपको ये फ्रेंच विंडो मिलती है। आपको दिन में कभी भी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है इस फ्लैट में पूरे में। और ये इसके साथ सेपरेट वॉशरूम। अभी फिलहाल ये थोड़ा सा रॉ कंडीशन में है, एक बार ये पूरा फिनिश हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा से अपलोड कर दूँगा। चलिए चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये इसका मास्टर बेडरूम है, ये पूरा मास्टर बेडरूम होता है। मास्टर बेडरूम के साथ आपको एक सेपरेट बालकनी मिलती है, तो ये बालकनी का एरिया होता है। इस बालकनी में भी आपको सुबह की धूप मिलती है, ये पूरा मास्टर बेडरूम है। साथ में आपको कबर्ड के लिए स्पेस मिलता है और साथ ही आपको एक काफ़ी बड़ा ड्रेस रूम मिलता है, ये पूरा ड्रेसिंग एरिया होता है। और साथ में आपको एक काफ़ी बड़ी टॉयलेट मिलती है, तो ये पूरा टॉयलेट का एरिया होता है। तो अगर आप इस सोसाइटी के बारे में, इस फ्लैट के बारे में और भी कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। प्राइसिंग के बारे में या ब्रोशर आप कुछ भी चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।